बिंदायका थाने के बाहर हम इस समय खड़े हैं। आपको बता दें कि भूमाफियाओं से परेशान कुछ लोग बिंदायका थाने के बाहर लगातार करीब 8 से 10 दिन से धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि रक्षाबंधन का त्यौहार भी इन्होंने इसी थाने के बाहर यहीं पर मनाया है। क्या पूरा मामला है, किस वजह से ये बैठे हैं और पुलिस प्रशासन से क्या कुछ चाहते हैं, इन्हीं से जानेंगे भाई साहब। क्या पूरा मामला है आज यहाँ पर इतने सारे लोग, आप लोग 8-10 दिन से यहाँ पर बैठे हो पुलिस थाने के बाहर, क्या है मामला? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी पुलिस अधिकारी इसको ज़मीनी विवाद से जोड़ के बता रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये JDA का दस्तावेज़ रास्ता निकालने के लिए, बागड़ा पक्ष रास्ता निकलवाने के लिए एप्लीकेशन दिए थी और इनके ज़मीन में से रास्ता निकलना था पीड़ित पक्ष के, तो JDA के तहसीलदार साहब ने इनको दस्तावेज़ दिखाने के लिए एक घर में बुलाया था, दो दो आदमी। वहीं ये दस्तावेज़ दिखा रहे थे, तभी अचानक 15-20 लोगों ने, जिनमें से 13 लोग अंदर घुस के इन पर हमला कर दिया, इनके साथ बहुत ज़बरदस्त मारपीट की। अब उच्च अधिकारियों से हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि 8 को गिरफ्तार कर लिया, तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, अगर उसी दौरान किसी की मौत हो जाती तब भी 13 में से 8 को ही गिरफ्तार करते क्या? कोई बड़ा हादसा हो जाता तब भी 8 को ही गिरफ्तार करते क्या? वो दोषी नहीं होते क्या? जो बचे हुए हैं वो दोषी, उनको नहीं पकड़ते क्या ये? तो जब भी उच्च अधिकारियों से बात होती है, IO साहब, ACP साहब से बात होती है, तो वो मतलब 4 महीने पहले 8 को गिरफ्तार किया था, अभी जाते हैं 8 को गिरफ्तार कर लिया, जाते हैं 8 को गिरफ्तार कर लिया। आपका कहने का मतलब है जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्त से बाहर है, अभी फरार है साहब। उनमें से एक तो महेंद्र देगड़ा जो पूर्व राजस्थान कॉलेज अध्यक्ष है, वो धमकी देता है साहब, निकलते किसी लड़कियों को कुछ बोल देते हैं, अश्लील बातें कहते हैं उनको, औरतों को जाते हुए गाड़ियाँ निकालते हैं, खेत में काम करती हुए तभी गाड़ियाँ निकालते हैं। तो हमारी कानून से यही है, इसको ज़मीनी विवाद से नहीं जोड़ा जाए, ये ज़मीनी विवाद नहीं है साहब, हमें इंसाफ चाहिए उच्च अधिकारियों से। उच्च अधिकारी हमें यही कहते हैं कि 8 को गिरफ्तार कर लिया, जो कि 4 महीने पहले हुआ था ये मामला, 4 महीने पहले भी हम यहाँ पे बैठे थे, 8 दिन पहले भी बैठे थे, लेकिन हमें यही आश्वासन दिया 5 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जिस महेंद्र देगड़ा की आप बात कर रहे हैं, अभी कल ही एक मामला तमाम समाचार पत्रों की चैनलों की सुर्खियां बना है कि एक कांस्टेबल ने या एक पुलिसकर्मी ने सुसाइड कर लिया, उसमें एक कथित तौर पे पत्रकार कमल देगड़ा का नाम लिया, तो क्या कमल देगड़ा उन्हीं के परिवार से है? कमल देगड़ा उन्हीं के भाई बंधुओं में से, उन्हीं के परिवार से है ये पूरा मामला है। इनका साफ तौर पर कहना है कि इसे ज़मीनी विवाद से जोड़कर ना देखा जाए, ये इनका कहना है कि अगर वहाँ पे कोई हादसा हो जाता, कोई हताहत हो जाता, तब भी क्या पुलिस प्रशासन का यही रवैया रहता है? महिलाएं भी शामिल हैं, आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने बताया कि महिलाओं पर भी हमला किया उन लोगों ने। हाँ सर, महिलाओं के भी, माँ के औरतों पर हमला किया और मारपीट करी, हमारा बेटा को मारपीट करी, और खेत में जाते हैं तो चारों ओर बंद, तो मार गाड़ी गाड़ी उबकता है, बाहर टावर कोचिंग भी जाता है तो कोचिंग में नहीं जाने देता, मारपीट करता है और गाड़ी के लोच काटता है। मीणू की औरतों का गागरा पाड़ेंगे, इसकी बेइज्जती करेंगे, इसका काला मुंह करेंगे, इसने गांव के की जलसा काटेंगे, साहब मेरा ऐसा बोलता है। औरतों को मैं इधर 10 दिन होगा इधर धरना पर पड़ा, तो धरना पर पड़ा था तो मैं सब लोग माचर माकिया में पड़ा, मैं कचरा में पड़ा, मैं बीमार हो गया, मैं डॉक्टर के दवाई लेके इधर पड़ा। हाँ सर, आप मेरी आप मदद करो, सुनाई करो, इस 5 लोगों को गिरफ्तार करो, यदि इधर से उठेंगे नहीं उठेंगे मैं तो चाहे मरना भी इधर ही है। पुलिस से आप लोगों की बात हुई होगी, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती है, पुलिस आप मेरे सामने भी नहीं आते, रात को उंदरा चढ़ जाता है, डर लगता है उसको, सांप सुरूटे आ जाता है तो हमको खा जाएंगे, तो फिर उस पर ही आएगा। अब मैं तो देखो सब मदद, आप माँ की मदद करनी पड़ेगी आपने, अब मैं हमारी सुनाई होनी चाहिए। तो आपने देखा किस प्रकार से ये लोग पिछले 8-10 दिन से थाने के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका साफ तौर पर मामला है कि जब हम कानून के तहत जो भी प्रक्रिया थी रास्ता निकालने की, अपने अपने दस्तावेज लेके दोनों पक्ष को बुलाया था, लेकिन उसके बाद दूसरे पक्ष ने, जिसका ये बोल रहे हैं, करीब 10 से 15 लोग वहाँ पर आए, और उन लोगों के, इनका कहना है कि इनके पास CCTV फुटेज भी है, वो भी तमाम इन्होंने पुलिस प्रशासन को मुहैया कराई, लेकिन उसके बाद भी आज लगातार 7 से 8 दिन तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। 8 लोगों को ज़रूर पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो मुख्य जो आरोपी हैं वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और लगातार वो और उनके आदमी कथित तौर पर इनको धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की, हमला करने की, इनकी महिलाओं के साथ लगातार बदतमीजी हो रही है।
आप देख सकते हैं जयपुर पुलिस या राजस्थान पुलिस की हम बात करें तो इसका एक मोटो है, अपराधियों में भय और आम आदमी में विश्वास। ये आम आदमी इसी विश्वास के तहत यहाँ पर आए हैं पुलिस के पास अपनी गुहार लगाने कि शायद पुलिस प्रशासन इनकी बात सुनेगा और जो अपराधी हैं उनमें भय व्याप्त होगा। लेकिन यहाँ पे जो देखा जा रहा है पूरा उल्टा देखा जा रहा है, अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं जो मुख्य जो आरोपी हैं इनके अनुसार, और जो आम आदमी है जो पीड़ित है जिनके परिवार वालों पर इन पर जो हमला हुआ है वो थाने के बाहर पिछले 8-10 दिन से सर्दी गर्मी बरसात धरने पर बैठे हैं। अब इनकी शासन से प्रशासन से एक ही गुहार है कि इनके साथ न्याय हो और जो मुख्य जो आरोपी इनके अनुसार जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जो भी जांच में दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त उनको सजा दिलवाई जाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।